हेलो फ्रेंड, दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर दिस इज सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 8। ओके, नाउ लेट स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल दैट कैन बी ओनली वी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। वैसे जीव जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, वैसे जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, या यूं कह ले कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं उसकी सहायता पड़ती है, उस जीव को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज माइक्रोस्कोप। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन सी अ वेरी टिनी ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोग कभी अपने लाइफ में देखे हो या ऐसे, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब ब्रेड गेट्स ग्रेस व्हाइट पैचेस ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। बरसात के दिनों में ब्रेड के ऊपर ग्रेस व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, जो एक्चुअली में वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करके आते हैं उनका धब्बा होता है, उनका पैचेस होते हैं जो उनके डेवलपमेंट को वहाँ पे दिखाता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। कहने का मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, हॉट डेजर्ट, पोलर रीजन, सॉल्ट वाटर, मार्स लैंड एंड इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जैसे चाहे वो हॉट डिजर्ट हो, पोलर रीजन हो, सॉल्ट वाटर हो, मार्स लैंड हो, या हमारे शरीर ऑर्गेनिज्म के इनसाइड के बॉडी के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अलावे भी पाए जाते हैं वोल्केनो में, डीप सी में, इवन वैक्यूम में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इस तरीके से आप ये जान गए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन जगह पाया जाता है। दैट मीन्स इन सभी चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट सभी जगह पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें तो मेजर पांच टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फाइव टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट, बैक्टीरिया, एल्गा, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया के बारे में। व्हाट इज बैक्टीरिया? हम बैक्टीरिया के कुछ चीज़ों के बारे में देखते हैं। दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर मोस्टली सिंगल सेल टिनी ऑर्गेनिज्म, बट दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस। अब बात करते हैं जो बैक्टीरिया होता है वो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली पाया जाता है, जो कि मोस्टली आपका सिंगल सेल होता है, ठीक है, और मोस्टली पाया जाता है ये कॉलोनीज में। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया का समूह होता है, उस ग्रुप में ये पाया जाता है। बैक्टीरिया के अलग अलग आकार होते हैं और मेनली चार आकार के बैक्टीरिया होते हैं। फोर डिफरेंट शेप होते हैं बैक्टीरिया के। पहला रोड शेप जिसको हम लोग बैसिली कहते हैं, राउंड राउंड और स्फेरिकल शेप जिसको हम लोग कोकी कहते हैं, स्पाइरल शेप जिसको स्टेरिला कहते हैं, और कॉमा शेप जिसको हम बेब्रियो कहते हैं या बेब्रियो कहीं जगह प्रोनाउंसिएट किया जाता है। अब एल्गा के बारे में बात करते हैं तो होता क्या है ये। एल्गा आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजली एक्वाटिक इन नेचर। जो एल्गा होता है वो सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब प्लांट के जैसे एक साधारण ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो ये यूजली एक्वेटिक नेचर का होता है। एक्वेटिक नेचर नेचर करने का मतलब कि आपको बिल्कुल जल और तरल अवस्था में पाया जाता है या उस जगह पे एक्वेटिक रीजन के आसपास आपको पाया जाएगा। दे कंटेन अ सिंगल सेल वॉल एंड अ क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो इसके अंदर सेल वॉल होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ये अपना भोजन स्वयं फोटोसिंथेसिस की मदद से बना लेते हैं। एल्गा कैन भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। बैक्टीरिया तो मोस्टली यूनिसेलर होते हैं, लेकिन एल्गा आपका यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों होते हैं। यूनिसेलर मतलब वैसा ऑर्गेनिज जो सिर्फ एक सेल से बना हो, मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज एक से अधिक सेलों से बना होता है उसे हम लोग मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अब सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल आर डायटॉम्स, क्लाइमाइडोमोनस एंड सीवीड। ये सब है एल्गा के एग्जांपल। अब हम लोग फंगी के बारे में बात करते हैं। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंगी।
हम प्लांट के जैसा हुआ ऑर्गेनिक जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उसे हम लोग फंगी कहते हैं। ठीक है, फंगी में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एंड आर फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। फंगी आपका यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ये वार्म और नमदार यानी गर्म और नम जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, फंगी कैन बी हेटरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक इन न्यूट्रिशन। अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? वैसा न्यूट्रिशन जिस न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है वो हेटरोट्रॉफिक कहलाता है। सेप्रोफाइटिक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सरे गले सब्सटेंस से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है वो कहलाता है आपका सेप्रोफाइटिक। और पैरासाइटिक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें होस्ट बॉडी के ऊपर आके होस्ट बॉडी में मिलने वाले न्यूट्रिशन को गेन करता है उसे हम लोग पैरासाइटिक कहते हैं। यानी ये इनमें इस प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। इनके एग्जाम्पल बात करते हैं फंगी के तो ईस्ट राइजोपस मशरूम और पफबल इनके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।